जैन डिफेंस एस्पिरेंट्स, माय नेम इज रोहन कपूर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द फौजी कैंपस। तो जैसा कि हमें पता है कि एनडीए 2023 के लिए अब सिर्फ 10 दिन से भी कम रह रहे हैं और मुझे कई बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि भैया मेरे मॉक में इतने अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, मेरे इतने सही इतने गलत। मुझे कई सारी क्वेरीज आ रही थी यूट्यूब के कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, भैया कितने क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। मुझे एक बच्चे का मैसेज आया कि सिर्फ 40 क्वेश्चन में अटेम्प्ट किए फिर भी उसका पेपर क्लियर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ जीएटी। तो आज मैं आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगा ऑन द टॉपिक ऑफ आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए इन रियलिटी, बिकॉज ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप पेपर क्लियर कर पाओगे। तो ओवर द टाइम मैंने जो चीजें रियलाइज की हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में जो भी एनडी की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनकी भी मदद हो पाए। तो अब देखो, जब मैं अपनी एनडी की तैयारी करता था ना, तो मैंने रियलाइज किया था कि कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ्स में थोड़ी अच्छी तैयारी करते हैं, जीएटी में थोड़ी कम तैयारी रह जाती है। जो मैथ्स में थोड़ी कम तैयारी रह जाती है, जीएटी में थोड़ी अच्छी तैयारी करते हैं, एंड एक वो लॉट होता है जो दोनों में बराबर तैयारी करते हैं। अब मैं दोनों चीजों को लेके चलूंगा, बोथ मैथमेटिक्स एंड जीएटी, के मैथ्स में आपको क्या करना चाहिए, जीएटी में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ऐसा अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको 70 सवाल करने हैं, 80 सवाल करने हैं। इफ यू टेक माय केस, मैं 70 से 75 ब्रैकेट रखता था। वो क्यों रखता था, उसके पीछे कई सारी रीजंस हैं। बहुत डीप लेयर्स में जाके मैंने इन चीजों को तोड़ा हुआ है। जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे डेफिनेटली। सो टू स्टार्ट विद, देखो जैसा मैंने बताया, एक बच्चा होता है जिसकी मैथ्स की तैयारी अच्छी है। अब मैथ्स की तैयारी अच्छी होने का क्या मतलब है, कभी आपने सोचा है? मैथ्स की तैयारी अच्छी होने का मतलब है कि आप सक्सेसफुली 70 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो विद एक्यूरेसी। अब मैथ्स की तैयारी खराब होने का क्या मतलब है कि अप टू द मार्क आप उतना स्कोर नहीं मार पा रहे जो आप जीएटी से कट ऑफ को क्लियर करने के लिए कवर नहीं कर पा रहे। इस चीज को मैं थोड़ा और समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ मेरी जीएटी में 280 नंबर आ रहे हैं, मतलब कि 120 नंबर मुझे मैथ्स में लाने पड़ेंगे टू क्वालिफाई द एग्जाम। अब वो मैं कैसे करूंगा? अब सर नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जा रही है। वो क्यों हो रही है, देखो एक्सप्लेन मैं करता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अब एनडीए का पेपर है, हर कोई 80 सवाल नहीं बना सकता, दैट्स ट्रुथ। अब वो कैसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 6 महीने पढ़ाई की, 6 महीने पढ़ाई करने के बाद ना आप एक लेवल पे पहुंचोगे जहां पे आप रॉ क्वेश्चंस फाइंड कर पाओगे अपने। अभी रॉ क्वेश्चंस क्या है, मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैंने अपने रॉ क्वेश्चंस बनाए थे 60। रॉ क्वेश्चंस मतलब कि ये क्वेश्चन मेरे एक्यूरेसी के साथ सही होने ही होने, इतने सवाल तो चाहे कुछ हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, इतने सवाल मैं सही करूंगा। तो दीज आर रॉ क्वेश्चंस। अभी वो आप पे डिपेंड करता है आपके रॉ क्वेश्चंस कितने हैं। अब तीन लॉट हैं बच्चों के जिनकी मैथ्स की तैयारी अच्छी है, उनके ये जो रॉ क्वेश्चंस है ना, ये समवेयर फ्रॉम 70 to 80 हो सकते हैं। जिनकी मैथ्स की तैयारी मीडियोकर है, उनके रॉ क्वेश्चन समवेयर फ्रॉम 60 to 70 हो सकते हैं। इनकी मैथ्स की तैयारी थोड़ी सी डब्बा गोल है, उनके रॉ क्वेश्चन समवेयर फ्रॉम 50 to 60 जा सकते हैं। अभी रॉ क्वेश्चंस का गेम आपके क्वेश्चन अटेम्प्टिंग में कैसे हेल्प करता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे रॉ क्वेश्चन 60, मतलब मैं 60 क्वेश्चंस एकदम एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ पेपर में। अब हियर कम्स रिस्क, मतलब 60 तो मेरे तय हैं, 60 क्वेश्चंस तो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 60 × 2.5 150 नंबर मेरे पूरे अगर मैं एक एक क्वेश्चन सही करता हूँ तो। लेकिन इन जनरल ऐसा होता नहीं है। कौन है वो जो सारे सवाल सही करता है, जितने अटेम्प्ट करता है? नो ना, आपको रॉ क्वेश्चन से बढ़ा के रिस्क में 15 क्वेश्चन करने हैं। अब ये देखो, मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बता रहा हूँ। आपके रॉ क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन तो आपको पता है, ये मैं कर लूंगा। आपने किए 75, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरे रॉ क्वेश्चन हुआ करते थे 60 और मैं 15 रिस्क लेके करता था जो डाउटफुल क्वेश्चन होते थे। उनमें व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, 15 क्वेश्चंस में से यू विल नॉट रियलाइज 8 आपके सही होंगे, 7 से 8 आपके सही होंगे, और जो गलत हो भी गए तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपने देखा, आपको सही ज्यादा मिल रहा है, गलत ज्यादा मिल रहा है। तो हियर, इस साइकिल के बाद आप डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को पेपर में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब इस चीज को अगर मैं समअप करूं, अगर आपकी मैथ्स की तैयारी अच्छी है ना, तो मतलब 70 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो पेपर में। आप करो 80 सवाल, आप करो 85 सवाल, डेफिनेटली जीएटी को वो कवर कर लेगा, मतलब आपके 170 से 180 नंबर बन जाएंगे। मैं बच्चा मीडियोकर तैयारी, कभी पढ़ाई की नहीं, नालायक थे स्कूल में, तो अभी मैंने पढ़ाई की तो मेरा मीडियोकर जो था रॉ क्वेश्चन तुझे 60, मैं अटेम्प्ट करता था 75, ऐसे करके 75 अटेम्प्ट करके 150 नंबर में ले आता था, बाकी आई यूज टू कवर इन जीएटी।
अब जिस बच्चे की तैयारी थोड़ी सी कम है, से उसके रॉ क्वेश्चन 40 है, 45 है, 50 है, इससे कम है तो भाई पेपर अटेम्प्ट मत करो, हम क्लियरली सही रहे। अगर आपके रॉ क्वेश्चन 40 45 हैं तो आप 60 तक जाओ। अब देखो 60 तक जब आप गए, मान लो 60 में से 10 भी गलत हुए तो कैलकुलेशन क्या कहती है, 50 सही, और जो 10 गलत हुए इनके 3 क्वेश्चन गए तो स्टिल 47 क्वेश्चन का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। 47 को मैं चलो 50 से इक्वेट करता हूँ तो 50 × 200, 50 का आधा 25, 125 नंबर स्टिल आप मैथ्स में स्कोर कर रहे हो। अब आते हैं भाई जीईटी पे। देखा मैथ्स की क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसी है, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो आप डिसाइड करोगे अपने रॉ क्वेश्चन के बेसिस पे कि मैं रॉ फुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, उससे 15 बढ़ा दो उस नंबर को, ईयर यू गेट के कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं एंड यू आर सेफ। ये मेरी गारंटी है, 4 बार का एक्सपीरियंस है, यू आर सेफ इन दैट। आपको ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है, इतना रिस्क लेना है ठीक है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं जाएगी। बच्चे क्या करते हैं, 60 क्वेश्चन रो है जी, 30 हमने डाउट में लगा दिए और 30 में से 20 गलत हो गए, फिर गया पानी, 6 तो गलत हो गए और 60 में से भी कुछ गलत होंगे, तो ऐसे करके उनका मैसअप हो जाता है, ऐसा आपने नहीं करना है। नाउ कमिंग टू जीएटी, अभी एक बच्चा था जो मैथ में बहुत अच्छा करके आया था, 180 नंबर वो लेके आया था। अब जीएटी में क्योंकि 3 सेक्शन है, इंग्लिश, साइंस और जीएस, यहाँ पे खेलना बहुत सा सही चल रहा है कि अब मैं आपको बताता हूँ, 3 तरीके के बच्चे यहाँ पे भी हैं, एक जिनकी इंग्लिश और साइंस अच्छी होगी, एक जिनकी साइंस और जीएस अच्छी होगी, एक जिनकी इंग्लिश और जीएस अच्छी होगी। यहाँ पे रॉ क्वेश्चन डिसाइड करना डिपेंड करता है आपके कौन से 2 सब्जेक्ट्स इजी हैं, जो कौन से 2 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके उन पे पकड़। पर्सनली इंग्लिश और साइंस पे मेरी पकड़ थी, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज इंग्लिश में से मेरे को पता थी मैं 40 सवाल कर पाऊंगा, एंड क्योंकि साइंस सब पढ़ी पढ़ी होती है तो उसमें से भी मैं 40 सवाल कर देता था। हियर जो रॉ क्वेश्चन का नंबर था ना वो बनता था 80। अब भाई साहब क्योंकि जीएस थोड़ी सी दिक्कत देती है, सबको देती है, तो उसमें से मोटा मोटा जो 10 सवाल जो क्लियर होते थे वो मैं कर देता था। होता क्या था, ओवरऑल 90 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, 80 में से 10 सवाल चलो इधर से गलत भी हो गए, ओवरऑल अगर 15 सवाल गलत भी हो गए, सो आई एम इन अ गुड पोजीशन टू स्कोर 400 ओवरऑल, बिकॉज मेरे 150 उधर आ रखे हैं, मेरे कम से कम 250 नंबर इधर आ गए, मेरा कम हो गया, इससे आगे मुझे कुछ नहीं करना है। सो यहाँ पे आपका रिवॉर्ड आपको मिल चुका है। एक दूसरा बच्चा होगा जिसकी इंग्लिश ठीक होगी और जिसकी जीएस ठीक होगी। अब यहाँ पे रॉक क्वेश्चंस थोड़ा सा सावधानी से चुनना पड़ेगा, क्योंकि जीएस में सवाल आपको पता है नहीं बनते, बट जीएस में आप इतना करके जाओ, अगर आपकी जीएस अच्छी है तो डेफिनेटली आपको जो पता होगा सही पता होगा, उस हिसाब से आपके जो रॉ क्वेश्चंस है ना वो भले ही 25 रहेंगे लेकिन वो 25 के 25 करेक्ट होंगे। अगर मान लो इंग्लिश भी आपकी अच्छी है, इंग्लिश में से भी आपने 40 कर ली, 40 और 25 65। अब ये मत सोचना मैं 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, बट आपकी एक्यूरेसी उतने के ही बराबर होगी जो मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था ना, ये बराबर ही पड़ेंगे, बिकॉज यू आर मच एक्यूरेट इन जीएस, और मेरे जीएस में इतने सवाल गलत हो रहे थे। साइंस से मैं कह रहा हूँ मोटा मोटा आपने 10 सवाल बना भी लिए, 10 से 12 सवाल आप निकाल लेते हो, तो द टैली स्टिल गोज टू अराउंड 75, कोई बुरी बात नहीं है, यू आर मच एक्यूरेट देन 90 वाला, आप 90 वाले से ज़्यादा एक्यूरेट हो, नंबर आपके बराबर आएंगे। तो देखा ऐसा कोई भूत नहीं है कि मेरे को इतनी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तब जाके मुझे उतना रिवॉर्ड मिलेगा। एक्यूरेसी नाम की एक चीज़ है भाई, उसको करो फॉलो। अब ये मैंने बताया, अब एक वो बच्चा है जिसकी जीएटी में तैयारी थोड़ी सी गोल है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ एक्यूरेसी आपको इंग्लिश में बनानी पड़ेगी, और साइंस और जीएस से आप मोटे मोटे क्वेश्चन उठा लो। इंग्लिश में मैं कह रहा हूँ 35 क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, अगर जीएटी की तैयारी आपकी लुल भी है, 35 सवाल आपने निकाले इंग्लिश से, और साइंस और जीएस मिला के भी अगर आप निकाल पा रहे हो अराउंड 25 से 30 सवाल, 100 में से सिर्फ 30 सवाल निकालने को बोल रहा हूँ मैं आपको, इतना ईजी टास्क मुझे नहीं लगता हो सकता है इस पेपर में। और अगर आप ये भी कर पा रहे हो ना, एंड अगर आपका मैथ्स में अच्छा स्कोर है, भाई एक में तो अच्छा स्कोर रखो ना वरना पेपर कैसे निकलेगा, मैथ्स में आपका स्कोर है अच्छा, तो डेफिनेटली अगेन आपके 400 नंबर बन के तैयार। सो दिस वाज ऑल अबाउट आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अब जो बच्चे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं प्लीज़ इसको शेयर करो दूसरे 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 ग्रुप्स में, जिससे सबकी मदद हो पाए, बिकॉज बहुत ही डीप लेयर्स में जाके मैंने चीज़ों को तोड़ा हुआ है, एंड डेफिनेटली आई होप आपकी आंखें थोड़ी सी खुली होंगी। तो इसको करो शेयर एंड चैनल को करो सब्सक्राइब एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक दिस।